पिछली बार हमने देखा कि लगभग 7वीं सदी ईसा पूर्व में लौह युग के शहर पनप रहे थे। तब साथ साथ उपमहाद्वीप में विचारों की एक नई उथल पुथल शुरू हो रही थी। ये हलचल ईसा की पहली कुछ सदियों के अंत तक बनी रही। इस हलचल की गहराई का सही अंदाजा हमें उस समय की नई रूढ़ी विरोधी विचारधाराओं से मिलता है। इनमें शास्त्रों की बातों पर सवाल उठाने का और ढर्रे से हटकर नए जवाब ढूंढने का साहस था। और इन विचारधाराओं में सबसे महत्वपूर्ण थे बुद्ध धर्म और जैन धर्म। एक तरह से बुद्ध धर्म की शुरुआत गंगा घाटी में बनारस के पास सारनाथ से हुई। अगली कुछ सदियों में वो अपने उपमहाद्वीप के कोने कोने तक पहुंच चुका था और इन्हें जोड़ने वाली संस्कृति का एक नया माध्यम बन रहा था। गौतम बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद जहां अपना पहला उपदेश दिया था, ये वही सारनाथ है। बुद्ध ने आम लोगों के दुख दर्द को महसूस किया, राजाओं और पुजारियों के जुल्म से परेशान इंसानों को एक नई दिशा दिखाई। सदियों से ब्राह्मणी प्रथा के रीति रिवाजों तले दबे इंसान के लिए बुद्ध का संदेश खुली हवा में सांस लेने जैसा था। ऊंच नीच से घिरे समाज में उन्होंने संघों की बुनियाद डाली। संघ जिनमें राजा और रंक सभी का स्वागत था, जहां सब इंसान बराबर थे। जिंदगी के इस नजरिए में लोगों ने जरूर अपनी स्वतंत्रता देखी होगी। शोषण और घुटन भरे माहौल से छुटकारा दिलाने वाले बुद्ध के उपदेश जल्द ही लोकप्रिय हो गए। सभी शहरों की तरह काशी के इस इलाके में भी विचारों की अराजकता फैली हुई थी। व्यापार को हिकारत की नजर से देखा जाता था। बुद्ध ने इधर उधर बिखरे समाज को एक रूप दिया। आने वाली सदियों में भिक्षुओं ने देश के कोने कोने तक उनका संदेश पहुंचाया। लेकिन ये सोचकर अजीब सा नहीं लगता कि जिन रीति रिवाजों के खिलाफ ये दर्शन खड़ा हुआ था, वो आगे चलकर उन्हीं में मिल गया। इस समय तक शहरों के दूसरे दौर का असर पूरी तरह से महसूस होने लगा था, और इसके लगभग 250 साल बाद अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। सारनाथ म्यूजियम में चार दिशाओं में ताकने वाले ये चार शेर इस बात के प्रतीक हैं कि अशोक का मौर्य साम्राज्य भी चारों तरफ छा रहा था, साथ साथ बौद्ध धर्म भी फैल रहा था, न सिर्फ देश के भीतर बल्कि विदेशों तक। और यूं व्यापार के लिए भी नई दिशाएं खुलने लगी थी। अशोक ने मौर्य साम्राज्य में दूर दूर तक पत्थर की शिलाओं और स्तंभों पर जो राजादेश और आलेख खुदवाए, उनके बारे में तो सभी जानते हैं। ऐसा ही एक आलेख हाल में मध्य प्रदेश के पंगोरारिया गांव में मिला है। इस आलेख में अशोक को देवा नाम प्रिया कहकर संबोधित किया गया है। यह आलेख जहां कहीं भी मिलता है वहीं के स्थानीय लिपि में है, जैसे कि उत्तर पश्चिम में खरोश थी, जो कि फारसी का दूसरा रूप है, और दूर पश्चिम में ग्रीक, और बाकी जगहों में ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई पाली और स्थानीय प्राकृत भाषाएं मिलेंगी। मगर सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि हड़प्पा के बाद लिपि का सबूत इसी काल में मिलता है।
लिखाई आम होने के सदियों बाद तक भी शिक्षा दीक्षा जुबानी ही की जाती थी। यही वजह है कि धार्मिक कथा कहानियों का रूप अलग अलग समय और अलग अलग जगहों पर बदला हुआ मिलता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जिनमें कोई फेरबदल संभव नहीं था और इन्हें सही सही ध्यान में रखना जरूरी था। इसलिए एक शैली बन गई जिससे इन बातों को याद करना आसान हो गया। ये सूत्रों की शैली थी। इसमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान कम से कम शब्दों में समो दिया जाता था। ज्ञान संचित करने का यह तरीका विज्ञान के नजरिए से काफी रुचिपूर्ण है। एक व्यक्ति जिसने बड़ी सफलता से यह काम किया उसका नाम था पाणिनि। बुद्ध की तरह पाणिनि भी नए शहरी जीवन के साथ उभरा था। वो उत्तर पश्चिम में तक्षशिला का रहने वाला एक विद्वान था जिसने भाषा की बनावट पर गहराई से सोच विचार किया। उस समय इंडो आर्यन बोलचाल को भाषा ही कहा जाता था। बाद में यही संस्कृत का आधार बनी। पाणिनि ने व्याकरण पर एक नियममाला बनाई, अष्टाध्यायी यानी 8 अध्याय। ये एक जटिल और अपूर्व काम था। शहनाज ने पिछले कई दिनों में पाणिनि और उसके वैज्ञानिक महत्व पर काम करके काफी कुछ तैयार किया है। सबसे पहली बात तो ये कि अमृता की तरह मैं भाषाओं की जानकार तो हूं नहीं और ना ही व्याकरण की। फिर भी जब पाणिनि पर तुमने ये काम मुझे सौंपा और मैं उसमें जुट गई तो सचमुच मुझे बहुत मजा आया। व्याकरण क्या है एक तरह से तो हम सभी जानते हैं। अगर मैं कहूं कि चिड़िया उड़ गया तो आप फौरन टोकेंगे, नहीं चिड़िया उड़ गई। हमारे अंदर रचे बसे ऐसे कौन से नियम हैं कौन जाने। इन नियमों को ढूंढा और सूत्रों में बांधा पाणिनि ने। मैंने कोशिश की है कि इनके काम की झलक आपको दिखा सकूं। इसके लिए मैंने कुछ चार्ट्स तैयार किए हैं। पाणिनि के विद्यार्थियों को सबसे पहले एक सूत्र याद करना पड़ता था जिसे शिव सूत्र कहते हैं। कहा जाता है कि शिव के डमरू की आवाज सुनकर उसने सूत्र की रचना की थी। मैंने एक संस्कृत के पंडित की आवाज में उसे रिकॉर्ड किया है। ऐ उण रुल रुक ए ओं ए औच हयवरट लण यमंगण नम जबै घडदस जब गडदस खफ छठ तचट दाउ कपै शससर हल। लगता है ना ये डमरू की तरह। अब इसे जरा आहिस्ता सुनते हैं। ऐ उण रुल रुक ए ओं ए औच हयवरट लण यमंगणनम जभय घड़दश जबगड़दश खफ छठ त चट तव कपय शससर हल। असल में ये वर्णमाला ही है एक नए क्रम में। इसमें हर ग्रुप एक हलंत लगे अक्षर पर खत्म होता है। बचपन में हम जिसे पैर मुड़े अक्षर कहते थे। मैंने एक छोटा सा सूत्र चुना है इको यण ची। ये संधि का नियम है। पाणिनि के सभी सूत्रों की तरह ये भी एक फॉर्मूला है। इसके टुकड़े करने पर यह हो जाता है एक अह यण अची या एक बनता है यण जब वो मिलता है अच से। इसे अब शिव सूत्र के साथ रखकर देखें। एक का मतलब ए से लेकर क तक के सारे अक्षर। अब इन्हें ऊपर से नीचे पंक्ति में रखते हैं। इनमें क और ण नहीं शामिल है क्योंकि हलंत लगे अक्षर सिर्फ मार्कर का काम करते हैं। इसी तरह यण का मतलब है य से ण तक के सारे अक्षर, ट और ण के अलावा जो हलंत अक्षर है। अब हमारे पास रह गया है अच। हम अच को अच्छी तरह समझने के लिए उसे दूसरी शीट पर ले जाते हैं। अ से च तक के अक्षर ऊपर की पंक्ति में है। एक और यण पहले जैसे रहेंगे। हम अच में से कोई भी एक अक्षर चुन लेते हैं जैसे कि अ। अब देखते हैं अ के साथ एक वाले अक्षर कैसे अपना रूप बदलते हैं।
हम एक शब्द लेते हैं अत्यंत। ये दो शब्दों अति और अंत को मिलाकर बना है, यानी समस्या है ए को अ से जोड़ने की। इकोयणची के अनुसार ए और अ मिलकर बनते हैं य, इसीलिए अत्यंत। इकोयणची वास्तव में एक फॉर्मूला है जिसमें ऐसे 32 नियम आ जाते हैं, और वो भी सिर्फ 5 अक्षरों की मदद से। ऐसे सूत्रों को याद कर लेना विद्यार्थियों के लिए भी आसान रहा होगा। एक जरूरी बात और है, पाणिनि में नियमों के साथ साथ कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी जुड़े होते हैं जो अपने आप में नियम होते हैं। इकोयणची के साथ भी ऐसा ही है। मिसाल के तौर पर एक शब्द लेते हैं अतीन्द्रिय। ये अति और इंद्रिय की संधि है। इकोयणची के अनुसार ए को य में बदल जाना चाहिए और बनना चाहिए अतीन्द्रिय, मगर ये गलत नहीं लगता? अतीन्द्रिय कहते समय हम कौन सा नियम लागू करते हैं? पाणिनि कहता है अकह सवर्णे दीर्घ। ये एक नियम है शिव सूत्र के अ से क तक के स्वरों के लिए। जब इनमें से किसी स्वर के बाद दोबारा वो स्वर आए, रस हो या दीर्घ, तो उनकी संधि दीर्घ बन जाती है। तो इस तरह अकह सवर्णे दीर्घ इकोयणची के नियम को सीमित करती है। यानी उसने भाषा को समझा, उसके नियम बनाए और इन नियमों को एक खास क्रम में ढाला, और यूं भाषा की जानकारी को एक लॉजिकल सिस्टम का रूप दिया। हाँ बिल्कुल, और ऐसा ही तरीका ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में अपनाया जा सकता है। किसी भी विषय को पूरी तरह समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि उसके तमाम पहलुओं को पहचाना जाए और उनके जो आपसी संबंध हैं उनके नियमों को जाना जाए। इसीलिए आज कंप्यूटर साइंटिस्ट पाणिनि के काम पर गौर कर रहे हैं, जैसे डेटा को ग्रुप्स में बांटना और इन ग्रुप्स को अलग अलग करने के लिए मार्कर्स का इस्तेमाल। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी हम यही करते हैं। अष्टाध्यायी के जरिए पाणिनि ने तो बस ये बताया था कि लोग किस तरह बातचीत करते हैं, लेकिन आगे चलकर ब्राह्मणों ने पाणिनि की भाषा को संस्कृत का नाम और महाभाषा की पदवी दे दी और पाणिनि के नियमों को बंधन बना दिया गया। निचले वर्गों के लोगों को और ऊंचे वर्गों के औरतों को भी संस्कृत सीखने का अधिकार नहीं था। इन्हीं लोगों के बोलचाल से प्राकृत भाषाओं का विकास होता गया, जिनसे हमारी आज की बहुत सी भाषाओं ने जन्म लिया। सारा बौद्ध साहित्य उस समय के आम लोगों की भाषाएं पाली और प्राकृतों में हैं। इसे पढ़कर हमें मालूम होता है कि बौद्ध परंपरा आम आदमी के जीवन के कितनी करीब थी। जैसे जानी मानी जातक कथाएं, जो लगभग दूसरी सदी ईस्वी में लिखी जाने लगी। इनमें हमें बौद्ध धर्म और व्यापार के आपसी संबंधों की और उस समय के समाज की कुछ झलकियां मिलती है। बहुत पुरानी बात है ये, बात भी लेकिन खास है ये, काशी नगरी में एक बार बोधिसत्व ने लिया अवतार। बहुत पुरानी बात है ये, बात भी लेकिन खास है ये। एक दिन राह में बैठा था, सोच में गहरी डूबा था, देखा उसने एक चूहा पड़ा हुआ है मरा हुआ, नक्षत्रों की जोड़ घटा की उसने और ये बोला, जो भी इसे उठाएगा वो धन खूब कमाएगा। बहुत पुरानी बात है ये, बात भी लेकिन खास है ये।
एक युवक ने सुन ली बात, ठीक किस्मत भी उसके साथ, सो चूहे को ले आया, बेच के एक सिक्का पाया, सिक्के की शक्कर लेकर एक बर्तन में जल भरकर, फूल के चुनने वालों को, बगिया के रखवालों को नीर पिलाया, शक्कर दी, ऐसे उनकी सेवा की, बदले में कुछ फूल मिले वो भी उसने बेच दिए। आखिर सिक्के आज कमाए, सच है बुद्धि से धन आए। फिर एक दिन बरसात हुई, आंधी सारी रात हुई, राजा का उपवन बिगड़ा, जैसे वन ऐसे उजड़ा, माली कुछ संकोच में था, क्या करना है सोच में था। युवक जो उसकी दात में था, धन दौलत की घात में था, बोला मैं समझाता हूँ, उपवन साफ कराता हूँ, शर्त पर एक लगाऊंगा, लकड़ियां ले जाऊंगा। उधर रसोईया राजा का खोज में कुछ ईंधन की था, युवक ने मौका अच्छा जान, उसे बेच दिया सब सामान। 16 सिक्के और कमाए, बुद्धि से धन बढ़ता जाए। एक दिन पता चला ये राज, आने को है एक जहाज, युवक को सूझी एक तरकीब, कैसी अनोखी कितनी अजीब। ओके एक बग्घी में सवार, शहर का जैसे साहूकार, तट पर पहुंचा शान के साथ, और बनाई ऐसी बात, बातों से वो काम किया, सारा माल खरीद लिया। नगर के जब व्यापारी आए, सुना तो सबके सब चकराए, दरबानों से कहा कि आओ, हमें भी दर्शन उसके कराओ, ऐसा आखिर कौन है वो, धंधे में बेजोड़ है जो। सपने उससे यारी की, काम में साझेदारी की, यूं सिक्के 2 लाख कमाए, सच है बुद्धि से धन आए। धमकी लेकर सौगात पहुंचा बोधिसत्व के पास, सारा किस्सा किया बयान, किस किस तरह बना धनवान, सुनकर आया उसको ध्यान, सचमुच युवक है बुद्धिमान, सो अपनी ही बेटी की युवक से शादी उसने की। बहुत पुरानी बात है ये, बात भी लेकिन खास है ये, बहुत पुरानी बात है ये, बात भी लेकिन खास है ये। इस समय के शहरों कस्बों के बहुत से व्यापारी सौदागर बुद्ध के अनुयायी थे। देश के दूर दूर के भागों में इनकी सहायता से बौद्ध विहार बन रहे थे, जैसे उत्तर पश्चिम में तक्षशिला, गंगा घाटी में सारनाथ, आंध्र में अमरावती। देश के अलग अलग हिस्सों के बीच आना जाना था, मेलजोल बढ़ रहा था, धीरे धीरे सारा उपमहाद्वीप एक सूत्र में बनने लगा। दक्षिणापथ खुल गया और व्यापारी और उपदेशक दोनों दक्षिण की तरफ भी जाने लगे। इसमें डेक्कन का सातवाहन राज मानो उत्तर दक्षिण के बीच सेतु बन गया था। और इस प्रदेश में हमें मिलती हैं चट्टानों में खोदी गई कई बौद्ध गुफाएं। मैं और बिंदा प्रांत पे बंबई के करीब कन्हेरी केव्स देखने आए हैं। बिंदा इतिहास पढ़ाती हैं और प्राचीन भाषाओं की जानकार भी हैं। प्राचीन भाषाओं में तो मैं सिर्फ प्राकृत जानती हूँ, प्राचीन लिपि में ब्राह्मी पढ़ना जानती हूँ। देखो इस गुफा में एक ब्राह्मी लेख है, इधर लिखा है सिद्धम थेरानम भयंत मितभूतिनम लेनम सागर परोगनम देयधम। इसका मतलब हुआ मित्रभूति नाम के भिक्षु ने ये सागर प्रलोगन गुफा बौद्ध धर्म को दान में दी है। सागर प्रलोगन मतलब यहाँ बैठो और वो सामने देखो। सागर प्रलोगन का मतलब है समुन्दर की तरफ देखना। पुराने जमाने में कान्हेरी के आसपास बहुत सारे बंदरगाह थे, जैसे सोपारा, उसका पुराना नाम था शूरपारक, फिर कल्याण, उसका पुराना नाम है कल्याण, चौल, जिसका पुराना नाम था चेमुल्य। इन सब बंदरगाहों के नाम यहाँ के आलेखों में मिलते हैं। वहाँ के शहरों में व्यापारी रहा करते थे। और उन व्यापारियों का इन भिक्षुओं से क्या संबंध था?
व्यापारी यहाँ आते थे और भिक्षुओं को यहाँ दान देते थे। ये लोग कौन है? ये वही लोग हैं जिन्होंने दान दिया था, उन्हीं की मूर्तियां हैं। इसलिए यहाँ बहुत सारे आलेख हैं जिनमें व्यापारी और उद्योग संघों के दिए दान का जिक्र है। हाँ, ये दान भिक्षुओं के चीवर, रहने के कमरे, पानी की टंकी, दवाइयाँ, कभी कभी किताबों के लिए भी दिए जाते थे। यहाँ के एक आलेख में सोपारा और चौल के व्यापारी संघों का जिक्र है। सोपारगा निगम का मतलब हुआ सोपारा के व्यापारी संघ ने दिया हुआ दान। अच्छा, और यहाँ क्या लिखा है? यहाँ एक वैसा ही आलेख है, चौल के एक सुनार ने दिए हुए दान का जिक्र है। ये गुफाएं सातवाहन राजाओं के जमाने की बनी है ना? हाँ, यज्ञेश्वर सातकर्णी के जमाने में ईसवी सन की दूसरी सदी में इसका काम शुरू हो गया और 10वीं सदी तक चलता रहा। अच्छा, थोड़ा पानी दे। इसके दौरान यहाँ भिक्षु रहते थे। द मीला, इस महिला ने इस गुफा का दान दिया है। और वो देखो, पानी की पौड़ी भी है यहाँ। पौड़ी क्या होती है? टंकी। अच्छा अच्छा, टंकी। उस वक्त महिलाओं का स्तर काफी ऊंचा होता होगा ना, जिस तरह से वो दान देती थी। सभी महिलाओं के बारे में तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन भिक्षुणियों का स्तर काफी ऊंचा था। और कारीगर? कारीगर यहाँ आलोकों में कुछ नाम मिलते हैं, जैसे सुनार है, चमार है, लोहार है, लेकिन ये तो बस कुछ लोग हैं जो अमीर थे, बाकी सबका स्तर तो काफी नीचा रहा होगा। इस गुफा में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति है। यह अवलोकितेश्वर है, यह तारा और यह भ्रुकुटी। इस बोधिसत्व की क्या खासियत है? यह मनुष्य को 8 बड़े भयों से मुक्त करता है। ये 8 बड़े भय क्या हैं? जैसे कि बाल मृत्यु। और इस तरफ देखो, जंगली हाथी से डर, इसको कहते हैं हस्ती भय। ये शेर से डर, हाँ, कहते हैं व्याघ्र भय। नीचे है सर्प भय, यानी सांप से डर। जी। और ये तो जहाज है। हाँ, उसके भी तो डूबने और टूटने का डर था। और भी दूर दक्षिण में चोल, चेर और पांड्यों का राज था। उस काल के तमिल संगम साहित्य में दक्षिण के जीवन के रोचक किस्से मिलते हैं। इनसे भी पता चलता है कि उत्तर के अनेक जैन उपदेशक और बौद्ध भिक्षु यहाँ पहुंच चुके थे। सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बाहर के देशों से भी व्यापार बढ़ रहा था। रोमन जहाज हमारे यहाँ आ रहे थे और हमारे जहाज इजिप्ट, चीन और दक्षिण पूर्वी देशों का लंबा सफर कर रहे थे। हर कोई यहाँ की मशहूर चीजें चाहता था, मसाले, रेशम, हाथी दांत, मोर, और बदले में हमारे व्यापारी सोना बटोर रहे थे। उस समय के यूनानी नाविकों की गाइड बुक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में यहाँ के कई बंदरगाहों का जिक्र है। इनमें से एक है पोडुका। पौंडिचेरी, जिसे तमिल में पुडुचेरी कहते हैं, इसके पास अरिकमेडु गांव में कुछ अवशेष मिले हैं। माना जाता है कि ये इसी पोडुका के अवशेष हैं। इसी जगह पर सदियों पहले हमारे पूर्वज रोम से आने वाले सामान से लदे हुए जहाजों का इंतजार करते होंगे। जमीन के जिस हिस्से पर आज का पांडिचेरी शहर बसा है, वहीं पर हमारे लोगों ने रोम, यूनान और मिस्र के साथ व्यापारिक रिश्तों को सींचा होगा। अरियाम कूपम नदी के उस किनारे नदी और संगम के पास एक गांव है अरिकमेडु। अब यहाँ कुछ नहीं बचा है सिवाय फ्रेंच राज के दौरान बने इस बंगले के। खुदाई में जो भी कुछ निकला था म्यूजियम में ले जाया गया।
ठाट से रहते थे वो लोग। हमें इसी तरह लूटा है। चले वो रोम वाली चीजें कहाँ रखी है? अच्छा अरिका मेडो वाली चीज आई है, वो यहीं पे रखी है। ये वेडवुड चाइना के जैसा दिखता है ना, इट इज ब्यूटीफुल। अभी हम जब बात कर रहे थे ना एम्फोरा के बारे में, ये उसी बर्तन के टुकड़े हैं। अच्छा। उस समय इन बर्तनों में जो शराब रखी रखी सूख गई होगी उसके निशान अभी तक बाकी है। ये जो दाग दाग से दिख रहे हैं वो? हाँ जी। ये कैसे पता चला? रासायनिक जांच से। अच्छा, आपके पास सिर्फ एम्फोरा का टुकड़े, पूरा एम्फोरा नहीं है? नहीं, सचमुच का एम्फोरा तो नहीं है, लेकिन उसका एक मॉडल यही के कुमार से हमने तैयार करवाया। अच्छा। जरा इसके नाक नक्शे को गौर से देखिए, ऊपर से चौड़ा और नीचे से एकदम पतला और नुकीला, बिल्कुल शंकु जैसा। अच्छा, एक सबूत और है कि रोम से इन बर्तनों का रिश्ता था कि नहीं। ये छाप देखिए आपने, इसी से मालूम पड़ता है कि ये बर्तन आए कहाँ से। ये वाले रोम साम्राज्य के लैटियम और कैंपेनिया क्षेत्र से लाए गए थे। अच्छा, पर ये तो हुई रोम वाली चीज है। अपने उद्योग धंधों के कोई सबूत मिले आपको? हाँ, यहाँ काफी सारे मनके भी मिले और निर्माण की हर अवस्था में मिले, जैसे कच्चा माल मिला है, अदबने मनके मिले हैं और पॉलिश वाले मनके भी। यानी कि एक उद्योग हुआ करता था। हाँ जी, बरापुरा उद्योग। एक बात पूछूं, यवनों का भारतीयों से जो मेलजोल रहा उसके बारे में उन्होंने काफी कुछ लिखा है, क्या स्थानीय लोगों ने भी कुछ लिखा है? हाँ, बहुत कुछ लिखा है। आपको संगम साहित्य के बारे में मालूम है? हाँ, हाँ, जो तमिल में लिखा हुआ है। हाँ, उसी की एक किताब है पुराना नूर, उसमें कविता है कि कैसे सुंदर सुंदर लड़कियां सोने की सुंदर सुंदर चूड़ियां पहने हुए यवन देश से लाई गई शराब को सोने के प्यालों में ढालकर पी रही है। अरे वाह। से जहाज चलाने के लिए मानसूनी हवाओं का इस्तेमाल किया जाता था। इस राज को सबसे पहले शायद अरबों ने जाना होगा। फिर भी सफर बहुत लंबा हुआ करता था। यूनान से लौट के आने के लिए लगभग एक साल लग जाता था। यहाँ के लोग निर्यात तो बहुत चीजों का करते थे लेकिन आयात बहुत कम, जैसे कांच, शराब या तेल से भरे हुए एम्फोरे। प्लाइनी ने काफी बड़े बड़े भारतीय जहाजों का जिक्र किया, ऐसे जहाज जिसमें 3,000 एम्फोरे लादे जा सकते थे। आम तौर पर आयातित वस्तुओं का भुगतान रोम सोने में किया करता था। वहां भारत में बनी चीजों की इतनी मांग थी कि रोम की तिजोरियां खाली होने लगी थी। रोम के सम्राट टाइबेरियस ने अपने सेनेट से इस बात की शिकायत की। मैं कैसे वापस लाऊं पुराने जमाने की वो सादगी, कैसे सुधारूं लोगों का पहनावा पोशाक और महिलाओं के सौंदर्य आडंबर का हम क्या करें, खास तौर से दिखावटी जेवरों और रंग बिरंगे महंगे पत्थरों के खातिर दीवाने लोगों का, जिन पर इस देश का धन लुटा जा रहा है और भड़कीले गहनों के बदले रोमन साम्राज्य का पैसा दूसरे देशों को चला जा रहा है। दक्षिण में पोडुका जैसे शहर उत्तर के शहरों के बाद ही बनते। इसके कई कारण थे, सबसे खास वजह ये कि यहाँ खेती का विकास बाद में हुआ। दक्षिण में उत्तर की तरह पानी की प्राकृतिक सुविधा नहीं है, इसलिए सिंचाई के अच्छे इंतज़ाम होने के बाद ही यहाँ खेती किसानी आगे बढ़ पाई। आज भी दक्षिण के खेती की खासियत है छोटी छोटी सिंचाई सुविधाएँ। अमृता और रामनाथन कावेरी डेल्टा की यात्रा करके हाल ही में लौटे हैं। उन्होंने काफी कुछ जानकारी इकट्ठा की है। तमिलनाडु के तिरुचनापल्ली जिले के एक गांव विजय गोपालपुरम। मैं अपने स्कूल के दिनों जब भी मौका मिलता था यहां आया करता था, अपने दादा दादी के घर। वे लोग खेती किसानी करते थे, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी
खैर अब तो वो लोग नहीं हैं। बाद में जो कुछ भी बचा था, घर, खेती, नारियल के पेड़, सब कुछ बेच दिए। लेकिन खैर छोड़िए, मेरे ऊपर थोड़ी ही फिल्म बनाने आए हैं ये लोग। हम तो यहाँ सिंचाई के पुराने तरीकों को जानने आए हैं, क्यों है ना? चलिए। यहाँ उत्तर भारत की तरफ बर्फीले पहाड़ तो है नहीं, जहाँ साल भर बर्फ पिघल पिघल कर नदियों को खारी नहीं होने देती। कुछ ही ऐसी नदियाँ हैं जैसे कि कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और ताम्रपर्णी, जिनमें साल भर पानी रहता है। और खेत के लिए तो पानी चाहिए ही। सिर्फ जलाशय बनाकर पानी इकट्ठा करने से ही समस्या का हल नहीं हो जाता। किसी किसी खेत की सतह इतनी ऊंची होती है कि जलाशय से पानी ऊपर निकालना इतना आसान काम नहीं है। पाषाण युग में तो आदमी अपने अंजुली में पानी भरकर खेत में ऐसे उछालता था, लेकिन बाद में लोगों ने एक ऐसा आसान सा लीवर बना डाला जिसका नाम है एट्रम, जिससे आदमी की शक्ति भी बची और जलाशय से ऊपर पानी खींचना भी आसान हो गया। मैं इनसे उस गीत के बारे में पूछ रहा था। इसका मतलब यह है कि एक लड़की ने मुझसे यहाँ मिलने का वादा किया था। पानी भरी बाल्टियाँ उलझते उलझते मैं तो थक गया। 20वीं होने को आई मगर लड़की अभी तक नहीं आई। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि बचपन में जिस एट्रम को मैं अक्सर देखा करता था, बड़ा होकर उसी के बारे में एक विज्ञान कार्यक्रम में इस तरह की चर्चा करूँगा। तमिलनाडु के गांव में जलाशय का होना एक बहुत ही आम सी बात है। प्राचीन तमिल साहित्य में भी अक्सर इनका हवाला दिया गया है। घरेलू कामकाज के अलावा इन जलाशयों को सिंचाई के वक्त काम में लाया जाता है। पानी इकट्ठा करके सिंचाई करने वाली इस बहुत पुरानी व्यवस्था की कम से कम हमारे उपमहाद्वीप में तो दूसरी कोई मिसाल नहीं।
तमिलनाडु में इस तरह के जलाशय और उनसे निकलने वाले ये नहरों का एक जाल सा बिछा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर होने वाली खेती बाड़ी और फसलों के उपजाव में काफी बढ़ोतरी हुई। लेकिन इन जलाशयों को बनाया किसने? कौन इसकी देखभाल करता था? क्या व्यवस्था रही होगी इसके पीछे? इन सवालों के जवाब में ही इनकी खासियत छिपी है। तमिलनाडु के गांव के मंदिरों में अक्सर ग्रामीण मामलों से संबंधित शिलालेख देखने को मिलते हैं। इनमें से बहुत से शिलालेखों में इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि किसी जलाशय की रखवाली कैसे की जाए। इसके अलावा एक खास किस्म की जमीन गेरी पट्टी का उल्लेख भी इन शिलालेखों में मिलता है। इस जमीन की उपज से होने वाले फायदे को इन जलाशयों की देखभाल के लिए काम में लाया जाता था। और एक विशेष समिति हुआ करती थी येरीवारम, जिसके जिम्मे इन जलाशयों की देखभाल करने का काम था कि भाई सभी को बराबर बराबर का हिस्सा मिले और जिसे कुछ ज्यादा पानी चाहिए हो तो उसे लगान वसूल करे। येरीपट्टी से होने वाली आय को भी यही लोग नियंत्रित किया करते थे। ईंट और पत्थरों के चौगिर्दे खींचकर बनाए गए ये जलाशय देहात में रहने वाले सभी लोगों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है, जिसका फायदा भी सभी लोगों को मिलता था। इत्रम तब काम आता है जब पानी हो, जब चाहे जहां चाहे, लेकिन वो खेत से नीचे हो। लेकिन जब और जहां जरूरत हो वहां पानी न हो तो जलाशय काम आते हैं। एक और तकनीक भी तब काम आती है जब पानी हो, जब चाहे तब, लेकिन वो खेत से दूर हो। ये तकनीक तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है और इस तकनीक का आधार है अनायकट। ये मिट्टी या पत्थर से बना हुआ साधारण सा बांध है। इसे किसान नदी नालों पर बनाते हैं। इसे पानी कुछ ऊपर उठ जाता है, जिसे नहरों के जरिए दूर के खेतों तक पहुंचाया जाता है। ग्रैंड अनायकट जो कावेरी नदी पर बना हुआ है, उसमें इसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बहुत बड़े रूप पर। अभी तक तो हम कावेरी के किनारे किनारे चल रहे थे। यहाँ कल्लणे में आकर कावेरी दो हिस्सों में बट जाती है। एक है कावेरी और दूसरी है वेन्नार। वो उत्तर की तरफ बहती है कोल्लिडम। ये है कावेरी की बांध और आज तो इन्होंने बांध के फाटक भी खोल रखे हैं। मतलब आज उस तरफ वाले किसानों को पानी मिले। हाँ। कावेरी डेल्टा की जमीन उत्तर की तरफ और पूरब में समुन्दर की तरफ ढलान वाली है। यहाँ तिरुचिरापल्ली के पास कावेरी दो धाराओं में बट जाती है। उत्तर में कुछ नीचे बहने वाली कोलिदम और दक्षिण की ओर कुछ ऊंचे बहने वाली मुख्य कावेरी। थोड़ा और आगे कावेरी कल्लनाई के पास फिर दो में बट जाती है, वेन्नार और कावेरी। आज यही ग्रैंड अनायकट का आधुनिक बांध है, लेकिन इस कंक्रीट और स्टील के एक हिस्से के नीचे एक पुराना बांध दबा हुआ है। पहले वो खेतों तक पानी कैसे पहुंचाया जाता है ना, वो इस पुराने बांध को दूसरी शताब्दी में करैक्कल चोर ने बनवाया था। कावेरी के बहाव से कुछ दिक्कतें आ रही थी, उन्हें हल करने के लिए। दिक्कतें ये थी कि जब कावेरी में बाढ़ आती, बाढ़ का पानी कल्लनाई के पास से नीचे के कोलिदम में बह जाता। बाढ़ के इस पानी ने एक नाला काट डाला था जो साल दर साल गहरा होता जा रहा था। अगर यही चलता रहता तो कावेरी का अपना नॉर्मल पानी भी कोलिदम में बहने लगता और किसानों के लिए पानी कम हो जाता। तो फिर उन्होंने नाले में गिट्टियां बिठाई ताकि वो कटकर और गहरा ना हो जाए। फिर जहां नदी तट में कटाव था वहां उन्होंने 300 मीटर लंबी और 15-20 मीटर चौड़ी पत्थर की एक दीवार बना डाली,
बाढ़ का पानी तो अब भी कोलीदम में जा रहा था, लेकिन अब मिट्टी के कटाव का कोई खतरा नहीं था। इस दीवार की ऊंचाई 5-6 मीटर रखी गई थी, जो आम दिनों में पानी को बांधे रखने के लिए काफी थी। उन्होंने जानबूझकर इससे ऊंची दीवार नहीं बनाई, क्योंकि फिर बाढ़ का पानी नदी तट पर कहीं और नाले काट डालता। कावेरी के ऊपर आज भले ही ये कंक्रीट और लोहे का ये ग्रैंड अनेकट खड़ा हो, लेकिन इसे बनाया तो उसी पुराने वाले बांध पर गया है जो पत्थर और मिट्टी से बना था। पहले इसे अंग्रेजों ने सुधारा, आज हम लोगों ने मॉडर्न टेक्निक्स के सहारे। मुझे कहते हैं ना, हमारी तरफ बाप की झोपड़ी पर बेटी की हवेली, बिल्कुल वैसी ही बात है। इस काल की विशेष घटनाएं थी बुद्ध धर्म का विकास, फैलता हुआ व्यापार और दक्षिण का शहरी संस्कृति में प्रवेश। व्यापार न सिर्फ आर्थिक संबंधों का माध्यम बना, बल्कि विचारों की लेन देन का भी। ईसा की पहली कुछ सदियों तक जो नई विचारधाराएं उपज रही थी, वे अब आकार लेने लगी। लिखना लिखाना शुरू हो चुका था, पर लिपि का उपयोग शायद सार्वजनिक दस्तावेज, पब्लिक रिकॉर्ड्स और संचार संपर्क के लिए ही होता था। शिक्षा वगैरह के लिए तो जुबानी परंपरा का ही चलन था। इसलिए पाणिनि की सूत्र शैली ज्ञान संगठित करने का और दूसरों तक पहुंचाने का आदर्श माध्यम बन गई। हर विषय को ऐसे ही सूत्रों में पिरोया जा रहा था। धर्मशास्त्र और राजनीति से लेकर चिकित्सा, गणित और खगोल शास्त्र तक। असल में बाद में लोकप्रिय होने वाली हर विचारधारा की जड़ें किसी न किसी रूप में इस काल की सूत्र रचनाओं में मिलती हैं। इन सब वाक रचनाओं को बहुत समय बाद लिख डाला गया। आज इनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स कुछ ही पुस्तकालयों में मिलती हैं, जहां इन्हें सुरक्षित रखा जाता है। ऐसी ही एक लाइब्रेरी है तमिलनाडु के तंजावुर शहर की सरस्वती महल लाइब्रेरी। यहाँ इस काल की हर प्रकार की रचना मौजूद है। इस ग्रंथालय की खासियत यह है कि यहाँ रखी सभी किताबें हाथ से लिखी गई हैं, यानी कि हस्तलिखित पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट्स। कोई 1000 साल पुरानी है तो किसी के लिखे अभी 100-200 साल से ज्यादा समय नहीं हुआ। इनमें जो सबसे पुरानी किताब है वो है फलवती, जिसे लगभग 1000 साल पहले ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था। देखो शहनाज, यहाँ पर कैसे तेल लगा के इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को सुरक्षित रखा जाता है। ताड़ के पत्ते पर लिखा है। ये कौन सा तेल है? शहनाज, यहाँ पर नाट्य शास्त्र के कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मैं जरा देख के आती हूँ। ठीक है, मैं देख के मुझे वहाँ कोई कुछ बता सके। एक्सक्यूज मी, हिंदी तेरी उमा? तेरी आदत। Does anybody understand Hindi here? कौन मैं? तैं नहीं जानती। आप हिंदी जानते हैं? थोड़ा-थोड़ा जानता हूँ। तो मैं आपसे कुछ सवाल करूँ? बैठिए। शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि ये लाइब्रेरी कितनी पुरानी है? चोला और नायक राजाओं से चली आ रही है। लगभग 13वीं शताब्दी में ये शुरू हो गया और 18वीं शताब्दी में मराठी राजा सरफोजी के समय इसका पुनरुद्धारण किया। तो ऐसे केंद्र और भी हैं हिंदुस्तान में? है, लेकिन इतनी पुरानी नहीं। हाँ, मिला? क्या ये है? हाँ, थैंक यू। बचपन से लेकर आज तक जिन किताबों के बारे में जगह जगह पढ़ा हो, सुना हो, उनको सामने देखना और वो भी इकट्ठा एक साथ देखना, ऐसा लगता है जैसे कोई खजाना हाथ में आ गया हो। पतंजलि का योग सूत्र, मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और वो उधर मेज पर रखे आयुर्वेद ग्रंथ जैसे सुश्रुत संहिता, ये सूत्र, इनमें 6 प्रमुख भारतीय दर्शनों का चिट्ठा है। और भी न जाने कितने सारे ग्रंथ जिनको आज से 2-2.5 हजार साल पहले एक नया रूप दिया गया।
वैसे इन सभी किताबों को लिखा काफी बाद में जाकर गया, जिनकी समय समय पर प्रतिलिपियां भी तैयार की जाती रही। कुछ एक को तो 100-200 साल पहले ही लिखा गया है। हमारे मौजूदा समाज के तमाम सारे पहलुओं पर आज भी उस जमाने की छाया है। हमारे सोचने का ढंग, हमारे तौर तरीके, जात पात को लेकर हमारा रवैया। पिछले कुछ सालों से हमारे समाज में कुछ बुनियादी तब्दीलियां आ गई है और हो सकता है कि हमारे अनुभव इन सबसे काफी अलग हो। लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं बीता जब इस ब्राह्मणवाद की देश के एक बड़े हिस्से पर गहरी पकड़ थी, जैसे इस मनुस्मृति में लिखा गया है। बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत पाणि ग्राहस्य यौवने पुत्राणा भर्तरी प्रेते न भजे स्त्री स्वतंत्रता। यानी बचपन में उसे अपने पिता की रखवाली में रहना चाहिए, यौवन में पति के, और उसके मृत्यु के बाद उसे अपने बच्चे के नियंत्रण में रहना चाहिए। स्त्री को किसी भी हालत में स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए, किसी भी हालत में नहीं। इस काल की रचनाओं में धार्मिक ग्रंथ ही ज्यादा हैं। विज्ञान से जुड़ी रचनाओं में भी आने वाले रूढ़िवाद या ऑर्थोडॉक्सी के संकेत जरूर मिलते हैं, लेकिन दो ग्रंथों में यह संकेत बहुत कम है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और आयुर्वेद की संहिताएं। अर्थशास्त्र एक ऐसी रचना है जिसमें सामाजिक विज्ञान और राजनीति की कला है, लेकिन आखिरकार यह ज्ञान कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही था। कोई राजकुमार ही इसको सीखकर अपना सकता था, लेकिन आयुर्वेद के साथ ऐसा नहीं है। इसी की चर्चा हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अगली बार।